छत्तीसगढ़ में कुपोषण को लेकर कई मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों का अपना अपना आंकड़ा है। स्कूल शिक्षा मंत्री की माने तो प्रदेश में 45% बच्चे कुपोषित हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री माने तो उनकी आंकड़ा 37% के तकरीबन है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि पहले आंकड़ा 45% था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 37% किया है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार मध्याह्न भोजन के मेन्यू में अंडा को शामिल किया, तब से सदन से सड़क तक हंगामा जारी है। देश में कुपोषण हावी है, लगभग 45% बच्चे कुपोषित हैं और इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, जो आप लोग अंडे के जो कुपोषित बच्चों को अंडे देने के रहे हैं, उसको सदन से लेकर सड़क तक विरोध हो रही है, क्या कहेंगे इसको? तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बोल दिया है कि हमारे विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा ऑप्शन भी रखे हैं और ऑप्शन से इन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, तो पाला समिति और शिक्षा समिति को भी अपने विभागों को निर्देश कर दिया, अगर उनकी जैसी राय होगी उस हिसाब से हमको काम करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अंडा बांटना अच्छी बात है, लेकिन इसका रख रखाव कैसे होगा, कहाँ से खरीदी होगी, क्योंकि जो अंडे का पौष्टिक है एक लिमिट समय होता है उसके लिए। जैसे दूध की व्यवस्था की है वैसे अंडा की भी हो जाएगी। दूध से कई सारे बीमारियां और बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आई थी, क्या अंडे के लिए कुछ समुचित व्यवस्था है? नहीं नहीं, दूध के लिए बीमार होने की नहीं, वो क्या है, हमारे बस्तर में बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो हम कई बार हम खुद अपने बच्चों को जबरदस्ती खिलाएंगे पिलाएंगे तो उससे उल्टियाँ होगी। वही स्थिति अंडा में ऐसा नहीं है, हमारे ट्राइबल के बच्चे सारे अंडा खाते हैं और नहीं खाएंगे, उनको जबरदस्ती खिलाएंगे नहीं, वैसे वो मीटिंग कर देते हैं, तो सवाल ही नहीं होता। ऐसे कोई चीज खराब नहीं है, उसके रख रखाव के, दूध के रख रखाव के लिए और हम लोग अच्छा उसको प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था कर दी है, जो 6 महीना तक वो रह सकता है और खोलने पे उसको दिन भर में हमको खत्म करना है। तो अभी आपने सुना है और महिला बाल विकास मंत्री को जिनका कहना है कि अंडा और दूध कुपोषण को दूर करने के लिए कारगर साबित हो सकता है, इसलिए सरकार ने इसका फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इसका किस तरह से पुनर्व्यवस्था की गई है, इस योजना का संचालन किस तरह से होता है, क्या पिछले जो कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल में दूध बांटने से कई सारे बच्चों के बीमार होने के मामला सामने आए थे, अब देखना होगा कि ये दूध और अंडे बांटने के बाद कुपोषण कितने प्रतिशत दूर हो सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज कूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।